हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूँगा, जैसे कि भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट किया है कि सर, सेम डॉक्यूमेंट से जोमाटो में कितनी आईडी बना सकते हैं। तो ये आईडी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली जो जो फील्ड में नए आते हैं या जिन्होंने कभी डिलीवरी कंपनी में काम ही नहीं किया हो। तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है जो पहली बार डिलीवरी कंपनी में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, कि किसी भी कंपनी में कितनी आईडी बनाई जा सकती है, और अगर आईडी ब्लॉक हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो क्या दोबारा आईडी बनाई जा सकती है। तो सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हर कंपनी में, जब किसी भी कंपनी में आप आईडी बनाते हैं, तो आईडी बनाने का एक प्रोसेस होता है। आपको मालूम है, जनरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का लाइसेंस लगेगा, आरसी लगेगी, इंश्योरेंस लगेगा, और आपका जो भी गाड़ी से रिलेटेड अदर्स नीडेड ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ लगेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे कि एक ही बंदे के डॉक्यूमेंट्स हैं या दूसरे बंदे के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सेम निकलते हैं, सब ओरिजिनल निकलते हैं, और कंपनी उन डॉक्यूमेंट को एग्री करती है, तो आपकी आईडी बनती है, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, स्विगी हो, जोमाटो हो, पोर्टर हो, रेपिडो हो, हिंदुस्तान की कोई सी भी कंपनी। उस कंपनी में आईडी बनने के लिए पहले आपके पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, और वेरीफाई होने के बाद जब उनको लगता है कि हाँ भाई बंदा सही है, सही डॉक्यूमेंट है, जब ही जाके आपकी आईडी बनती है। तो अब सवाल ये है कि एक आईडी पर, यानी कि एक डॉक्यूमेंट से कितनी आईडी बनाई जा सकती है। देखिए भाई, एक डॉक्यूमेंट से एक ही आईडी बनाई जा सकती है। अगर दूसरी आईडी कोई आपकी बनाता है, तो वो क्या है, आपकी इलीगल होगी, फेक होगी। ये हमेशा याद रखिए आप, चाहे किसी भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी एक डॉक्यूमेंट पर एक ही आईडी बनाने की इजाज़त देती है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट पर कोई दूसरी आईडी आपके कोई बना रहा है, तो ये समझ लेना वो आपकी फेक आईडी बना रहा है, इलीगल आईडी बना रहा है, और वो कभी भी बंद भी हो सकती है। और अगर वो आईडी पकड़ी गई और उस आईडी पर जो डॉक्यूमेंट लगे हुए होंगे, तो भाई सीधी पेनल्टी पड़ेगी। तो ये बात उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी कि एक आईडी पर कितने, मतलब एक डॉक्यूमेंट पर कितनी आईडी बनाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि आपकी आईडी अगर ब्लॉक हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, तो कल को क्या दोबारा आपकी आईडी बनाई जा सकती है? तो देखिए, डिलीवरी कंपनियों ने अब ये नियम बना दिया है कि अगर आपके किसी भी कंपनी में स्पेशली आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, ब्लैक लिस्ट का सिंपल मतलब यही है कि ब्लैक लिस्ट आईडी जब भी होती है कि कंपनी आपको 3 बार वार्निंग देती है, और 3 बार वार्निंग आपको उस केस में देती है कि जब ऑलरेडी कंपनी ने आपको मैसेज किया हो, वार्न किया हो कि ये काम मत करो, लेकिन फिर भी कंपनी के बताने के बावजूद आपने गलत काम किया, और वो गलत काम किया जिसके लिए कंपनी ने सख्ती से आपसे मना किया था। लेकिन 3 बार आपने कोई ऐसा काम करा जिसको कंपनी ने सख्ती से मना करा था, लेकिन आपने किया, उस केस में आपकी आईडी कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर देती है। और ब्लैक लिस्टेड आईडी का मतलब ये है, भविष्य में, फ्यूचर में, आप उसी डॉक्यूमेंट से हिंदुस्तान में कहीं भी आईडी नहीं बना सकते, उस डॉक्यूमेंट से, यानी कि वो डॉक्यूमेंट, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके अलावा जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी नीडेड ज़रूरत के डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, सिस्टम में सेव कर दिया जाता है, और उनको क्रॉस कर दिया जाता है कि दोबारा अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट कभी भी आते हैं उस कंपनी में, तो आपको मालूम है सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, सिस्टम पर चढ़ता है। जैसे ही आपकी आईडी को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी डिटेल को सिस्टम पर चढ़ा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया है, और इस पर आईडी नहीं बनेगी। तो ऐसा दोबारा मत करना भाई। बस जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो, कोई आपकी क्वायरी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।